कि कहते हैं जितने भी प्राचीन मंदिर हैं ये सब पहले बौद्ध विहार या मठ हुआ करते थे, लेकिन इन पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर इन्हें मंदिर बनाया। क्या ये सच है? अगर हाँ तो ऐसा क्यों? देखिए, ये बिल्कुल सच है कि जो श्रवण संस्कृति के मंदिर थे, बुद्ध विहार थे, मंदिर नहीं कहते बौद्ध धर्म में बल्कि विहार कहते हैं, क्योंकि बुद्ध ये कहते थे कि वो चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं। तो उनके जो मंदिर है, मंदिर हिंदुओं का शब्द है, बौद्धों का बुद्ध विहार है। और आप देखेंगे जो पुरी के शंकराचार्य हैं, पुरी का जो मंदिर है वो एक बड़ा फेमस बौद्ध विहार है, और आज भी बुद्ध की मूर्ति वहाँ पर है। तो बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए ब्राह्मणों ने ये कहा कि भगवान विष्णु के बुद्ध अवतार हैं, ये बौद्ध धर्म को नष्ट करने की एक साजिश थी। और उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को राजाओं की मदद से मार गिराया, मारने के बाद में उन्होंने उनको कब्जा कर लिया। और ये बात स्वामी विवेकानंद ने भी अपने कई बार भाषणों में, व्याख्यानों में बात कही है कि ये पुरी के मंदिर और बहुत से मंदिर हैं, या ये अपना जो राम जन्मभूमि वाला मंदिर पर विवाद चल रहा है, ये भी सारे बौद्ध विहारी हैं जिनको तोड़ तोड़ कर लोगों ने इस तरह के अपने मंदिर बना लिए। और एक रशियन थिंकर हैं जिनका नाम साजोविस्की है, जिन्होंने लॉजिक नाम की, बुद्धिस्ट लॉजिक नाम का एक ग्रंथ लिखा बड़ा फेमस, उसमें बताया कि ये बुद्ध विहार था, इसे तोड़ कर कब्जा कर लिया और अपने बल का प्रयोग कर उनकी हत्या करके बौद्ध व्यक्तियों के उनको बिल्कुल बर्बाद कर दिया उन्होंने। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी बुद्ध विहार हैं प्राचीन, उनको तोड़कर इन्होंने हिंदू मंदिर बनाए और हमारी संस्कृति को नष्ट करा, और हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए इन्होंने इस तरह का बड़ा क्रूर कदम उठाया। आप मीनाक्षी का मंदिर देखेंगे तो वहाँ पर जैनों को और बौद्धों को मतलब तस्वीरें हैं कि उनको तेलों में उबलते हुए तेलों में डाला जा रहा, पेड़ों पर इस तरह पेड़ों पर एक नकुले उस पर डालकर उसके हाथ पैरों से चार आदमी लटक जाते थे और मार देते थे। तो बौद्ध धर्म की का जो विनाश करा है वो ब्राह्मणवाद ने करा है, और बौद्ध पूरी तरह से बौद्धों की शक्ति कम होने से, उनके शासक राजा कम होने की वजह से बौद्ध धर्म का हास हुआ है। लेकिन भारत में बाबा साहब ने जो कहा था कि बौद्ध धर्म का वृक्ष अभी हरा है, सूखा नहीं है, और मैं कहूँगा न केवल हरा बल्कि नई नई उसकी शाखाएँ उपज रही हैं, पत्ते आ रहे हैं, और बौद्ध धर्म प्रतिदिन भारत में फैल रहा है। और मैं ये चाहूँगा थोड़े दिन बाद में, मैं कहना चाहूँगा कि थोड़े बहुत दिन बाद में हर बहुजन समाज का आदमी, मुस्लिम भी क्रिश्चियन भी, वापस उनकी घर वापसी होगी, बौद्ध धर्म में होगा, और ये वर्ल्ड का एक ऐतिहासिक धर्म है, और पूरे ये विश्व के अंदर इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटरनिटी स्थापित कर सकता है। तो श्रेष्ठ धर्म है, और जब लोग पावर में आएंगे तो अपने बुद्ध विहारों को जिनके मंदिर बना रखे हैं उनको वापस ले लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।